अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ, तो आज आपको हमारे रिटर्न टेस्ट की तैयारी की प्रेपरेशन की वीडियो नंबर टू है, पार्ट नंबर टू लेकर आया हूं। जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ जी डी 7, जी डी 11, OM 7, OM 11, असिस्टेंट ड्राइवर या नैब का किसी भी पोस्ट पर आज जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो आज इस वीडियो में फिर आप लोगों के साथ 15 से 20 MCQ शेयर करूँगा जो कि आपको रिटर्न टेस्ट में तैयारी के लिए आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और साथ में बेल के आइकन को दबाना, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोगों ने जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को भी लाजमी से ज्वाइन कर लेना है। मजीद अगर आप IB की इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिटर्न टेस्ट की तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं हमसे, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेज भी अवेलेबल है। आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके हमसे क्लासेज ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए जी, ये पेपर है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, जो कि प्रीवियस पेपर्स में से एक पेपर है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ, ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोगों के साथ 1 शेयर करने जा रहा हूँ जी। वर्ल्ड डायबिटीज़ डेज इज़ ऑब्जर्व इन वर्ल्ड, यानी कि बीमारियों का जो दिन है आलमी सतह पर वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है जिसके मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर 14 नवंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, लॉन्ग साइटेड डिफीट कोड बी कोरेक्टेड बाय यूजिंग लेंस, तो यानी कि इसमें आप लोग को कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर मैं वो आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पर भी इसका भी आंसर जो है वो कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हैव वेव लेंथ, ठीक है, यानी कि वेव लेंथ जिनकी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होती है वो वेव लेंथ कौन सी है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर है जी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें शॉर्टेस्ट। ठीक है, इसका बी वाला जो ऑप्शन है वो ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम जाते हैं, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इफ वी डिक्रीज वॉल्यूम प्रेशर विल बी, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसका आंसर आप लोग से शेयर कर देता हूँ। इसका आंसर भी बी में कौन सा आ जाता है जी, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, अगर आप कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज डेज, ठीक है, इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता, इसका आंसर 120 डेज। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने मेरे क्वेश्चंस को गौर से सुनते जाना, हो सके तो आपने लिख लेना या फिर इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ताकि आपको आगे भी ये काम आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सन क्या है जी, इसमें स्टार है, प्लैनेट है या कोई चीज़ और है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि सन जो है वो स्टार है। ठीक है, तो CNG स्टैंड फॉर होता है जी, क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, CNG कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है, कंप्रेस नेचुरल गैस होता है जिसका ऑब्जर्वेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड क्लीन कौन सी चीज़ करती है जी, ब्लड, ठीक है, तो अपना ब्लड मैं आप लोग को बता दूँ, ब्लड कौन सी चीज़ क्लीन करती है, तो ब्लड जो करती है जी वो किडनी जो है वो, मतलब किडनी की मदद से ब्लड क्लीन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है जी, इंटरेस्ट रेट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़, ये उस टाइम का क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि ये 2000 मेरे ख्याल में 17 या 18 का क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने देख लेना, उस टाइम था इंटरेस्ट रेट 6.80 था, अब आप लोगों ने देख लेना, ठीक है, अब क्योंकि चेंज हो गए होगा, तो आप लोगों ने देख लेना। पुलिस मैन, अगला क्वेश्चन है, पुलिस मैन मैरिट राइड फ्रॉम 2006 टू ऑन वार्ड इन KP, यानी कि 2006 से अब तक पुलिस मैन कितने KPK में शहीद हो चुके हैं, तो इसका आंसर जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ, इसका आंसर है जी 1200, यानी कि बी वाला ऑप्शन है 1210, ठीक है, 1210 से ज़्यादा इसमें जो है अब तक वो शहीद हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, गैस यूज़ इन रेफ्रिजरेटर फॉर कूलिंग, ठीक है, कूलिंग के लिए कौन सी गैस जो है वो रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होती है, तो वो अमोनिया, ठीक है, अमोनिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पैराडाइज लीक्स डेटा ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच लॉ फ्रॉम, ठीक है, तो
इसलिए मैं आप लोग को इसका क्वेश्चन बता देता हूँ आंसर। तो ए वाला इसका ऑप्शन ठीक है, एप्पल बाय ला फर्म, एप्पल बाय ला फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनली जेनेटिकली इंजन इंजीनियरिंग मैकेनिक कंपोजिशन 2017 यानी कि 2017 हेल्ड, तो ये कहाँ पर हुआ जी? इसका ऑप्शन सी जो ठीक है वो सी में है जी, बोस्टन US यानी कि अमेरिका में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी, इन विच कंट्री इज़ मैंडेटरी फॉर मेल सिटीजन एज 18 to 27 ईयर्स टू सर्व इन आर्मेड फोर्सेज, वो कौन सा कंट्री है जहाँ पर, यानी कि वो कौन सा कंट्री है जहाँ पर आपकी उम्र 18 से अगर आप लोगों की 27 साल है तो आप लोगों ने आर्मी में जाना, आर्मी में सर्व करना होता, तो वो कंट्री मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो है रूसिया, रूस, ठीक है, रूस में ये पाबंदी है, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ जर्नल वॉल इन चाइना, चाइना वॉल की टोटल लेंथ कितनी है? तो इसका आंसर है डी, नन ऑफ दी, 5000 मील है, 4000 मील है, 3000 मील, इससे ज़्यादा है, ठीक है, इससे ज़्यादा। आप लोगों ने इसका आंसर जो है नेट से देख लेना, मुझे भी नीचे कमेंट में बता देना। लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की वीडियो का, विच पोलिटिकल पार्टी फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान विल बी यूजिंग होलोग्राम टेक्नोलॉजी, ठीक है, होलोग्राम टेक्नोलॉजी किस पार्टी ने पाकिस्तान में सबसे पहले यूज़ की? तो वो पीपल पार्टी थी जी, इसने पाकिस्तान में सबसे पहले होलोग्राम टेक्नोलॉजी यूज़ की थी। तो व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ 15 MCQs शेयर किए हैं जो कि IB के पेपर में, पास्ट पेपर में आते रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कहीं से समझ ना आई हो तो पूछ लीजिएगा। अगर आप रिटर्न टेस्ट की तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। मज़ीद आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक तो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।